हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक ऑटोकैड की ट्रिक के साथ। बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है, देखो हमारे पास दो रेक्टेंगल हैं और इन दोनों में ही मैंने हैच की हुई है। अगर मैं फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, इसकी ग्रिपिंग पॉइंट से क्लिक करके स्ट्रेच करता हूँ, तो आप देखेंगे हैच आपका स्ट्रेच नहीं हुआ है। और अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल को स्ट्रेच करता हूँ तो आप देखोगे उसके साथ आपका हैच भी स्ट्रेच हो गया है। क्लियर है? तो ये है आपका नॉन एसोसिएटिव हैच और ये है एसोसिएटिव हैच। इनको करने के लिए क्या करना होगा, मान लो मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। अब इनमें मुझे हैच करना है तो मैंने किया एच एंटर फॉर हैच। अब इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है एसोसिएटिव हैच। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूं तो ये हो जाएगा नॉन एसोसिएटिव हैच। तो आप क्लोज करेंगे और इसके अंदर मैं हैच करता हूं और इसको कर देता हूं एसोसिएटिव एंड ओके। तो अब आप देखोगे जो आपका नॉन एसोसिएटिव हैच है, आप उस पर क्लिक करके अगर रेक्टेंगल को स्ट्रेच करते हैं तो आपका हैच स्ट्रेच नहीं होगा। हैच के लिए आपको दोबारा से क्लिक करके हैच को भी इसके साथ स्ट्रेच करना पड़ेगा, तब जाके आपका हैच स्ट्रेच होगा। और इसमें क्या है एसोसिएटिव में कि जैसे भी आपकी शेप है, अगर आप शेप को चेंज करते हो तो उसके साथ साथ आपकी हैच भी चेंज हो जाएगा। ये होता है एसोसिएटिव हैच। तो जब भी आप काम करें तो हमेशा याद रखें कि आप एसोसिएटिव हैच पे क्लिक करके रखें ताकि शेप के साथ आपकी हैच भी वो अपने रीशेप कर पाए। तो ये थी आज की ट्रिक, जो काफ़ी अच्छी ट्रिक है जो आपको काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो आशा करता हूँ ट्रिक अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।